हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 330 पोस्ट के लिए 1 सितंबर से फिजिकल स्टार्ट हुए थे और बारिश की वजह से सारे फिजिकल जो डेट थी वो चेंजेस कर दी गई। फिलहाल जो लास्ट 90% जो फिजिकल हो चुके हैं वो 4 ज़िलों में हो चुके हैं, जैसे कि मैं नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया और चमोली हो गया। फिर भी कोई अभ्यर्थी यहाँ पर छूट गए हैं किन्हीं कारणों की वजह से या फिर बारिश की वजह से, वह निश्चित तिथि या फिर डेट या फिर समय पर नहीं पहुँच पाया तो उसको मौका दिया गया है। सारे ज़िलों के बारे में बात करेंगे। जो 6 ज़िले थे पहले चरण में, जैसे कि बागेश्वर था, US नगर था, पौड़ी था, टिहरी था और उत्तरकाशी और चमोली, इन 6 ज़िलों के फिजिकल की लेटेस्ट अपडेट आपको मैं बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी PDF के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12/9/2023 यानी आज से जो फिजिकल स्टार्ट हुए हैं बागेश्वर ज़िले के हुए हैं और ये लगभग 22 सितंबर तक चलने वाले हैं। इसमें जो कुल कैंडिडेट्स हैं वह 2430 हैं, 2430 कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पे ईच डेज यहाँ पे 250 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है और ये जो 250 अभ्यर्थी होंगे वह प्रातः 7 बजे वहाँ पर उपस्थित होंगे, यानी कि आज से स्टार्ट हुए हैं। जैसे कि फॉर्म स्टार्ट हुए थे 32 पोस्ट के लिए, 32 पोस्ट के सापेक्ष यहाँ पर टोटल मिला के 2430 आवेदन मांगे गए हैं और इसमें कुछ रिजेक्ट फॉर्म भी हुए हैं। रिजेक्ट फॉर्म के बारे में बताऊंगा, बागेश्वर में कौन कौन से फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, क्या कारण था रिजेक्ट होने का, पूरी जानकारी बताने वाला हूं। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको जाना कहाँ है, सभी आवश्यक दस्तावेज जो हैं जो अपने संलग्न करे थे डॉक्यूमेंट में वो आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। पुलिस लाइन बागेश्वर में उपस्थित होना सुनिश्चित किया है। 7 बजे तक आपको यहाँ पर पहुँचना है। बागेश्वर वालों को यहाँ पे अपना रोल नंबर चेकआउट कर सकते हैं आप। यहाँ पे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त तिथियों में वर्षा आदि से व्यवधान उत्पन्न होता है तो उनके स्थान पर तिथि आगे बढ़ाई जाएगी, जा सकती है। डाक से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन और अनुक्रमांक, आवंटन और निःशस्त्रीकरण की सूचित जिला होमगार्ड्स कार्यालय बागेश्वर के सूचना पट या फिर फेसबुक पेज होमगार्ड्स बागेश्वर से प्राप्त की जा सकती हैं। तो आप होमगार्ड्स बागेश्वर, इनका एक फेसबुक पेज है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी प्रकार के बैग या फिर कैमरा या फिर खाद्य जो है पदार्थ भर्ती मैदान के अंदर लाना वर्जन है, ये बताया गया है इसमें। तो ये कुल मिला के आपको यहाँ से देख लेना अपना रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, ये महिला होमगार्ड्स भर्ती के निरस्त हुए आवेदनों की सूची है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मिला के 29 कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ फॉर्म रिजेक्ट किया गया। अनुक्रमांक और उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, पिता और पति का नाम और आवेदन पत्र निरस्त करने का जो यहाँ कारण बताया गया, स्थायी पता बाहरी जनपद का होने के कारण। उसके बाद दूसरा था 18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण। उसके बाद आवेदन पत्र के साथ स्थायी प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण, साथ ही स्थायी पता बाहरी जनपद का होने के कारण। तो ये सारे बाहरी जनपद के जितने भी फॉर्म हैं वो सारे रिजेक्ट किए गए हैं, साथ ही पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भी फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पे ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजेक्ट वाले। उसके बाद हम बात करते हैं जो अब भर्ती चल रही है, पहले बागेश्वर में स्टार्ट है, अभी कंटिन्यू है। उसके बाद US नगर की बात करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवेदन मांगे गए हैं, कम से कम 8,000 तक हैं। तो उधम सिंह नगर जहाँ पर कुल मिला के आवेदन 8,000 प्लस हैं और इनका जो फिजिकल डेट था वो 10/9/2023 से स्टार्ट हो गए हैं। 250 कैंडिडेट्स हर दिन बुलाया जा रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जिनकी चलने वाली है फिजिकल वह 30 सितंबर तक चलने वाली है, 30 सितंबर तक ये चलेगी, 13 अक्टूबर तक चलने वाली है। लंबी प्रोसेस है इनकी उधम सिंह नगर की और यहाँ पे आपको 8 बजे पहुँचना है US नगर, रुद्रपुर के मैदान में 8 बजे से आपका यहाँ पर क्या होगा, सारे दक्षता परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो 4 ऐसे ज़िले जहाँ पर लगभग फिजिकल हो चुके हैं और जो फाइनल बची अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पौड़ी का। तो पौड़ी जनपद का जो पहले कैलेंडर जारी किया गया था 30 पोस्ट के लिए, यहाँ पर अनुक्रमांक जारी कर दिए गए थे और समय सारणी 7 बजे दी गई थी और दिनांक 1 से स्टार्ट हुए थे और 13 तक चले थे, लेकिन बारिश के व्यवधान की वजह से इसमें डेट शीट चेंज किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर 11/9/2010 की डेट में बारिश हुई थी तो इस डेट को चेंज किया गया है। आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर जो 9 को होने वाली है वो आपकी 13 को होगी। अभी मैं दिखाता हूँ उस संशोधित कैलेंडर।
पौड़ी का संशोधित कैलेंडर ये है और ये पौड़ी गढ़वाल द्वारा आज के दिन जारी किया गया है प्रेस नोट के थ्रू। और इसमें कोटद्वार को छोड़कर अन्य सारे अभ्यर्थी जो है पर्वतीय प्रमाण पत्र जिनके पास है उनको मौका दिया गया है 14/9/2023 को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए, और जिन्होंने फिजिकल नहीं दिया है 9 की डेट में 9 सितंबर को उनका फिजिकल 13 को होगा, और जिनका शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 को होनी थी बारिश के व्यवधान के कारण उनकी जो फिजिकल होगी वो 14 को होगी, और जो किन्हीं कारण से अपना फिजिकल नहीं दे पाए थे बारिश की वजह से या फिर किन्हीं अन्य कारणों की वजह से तो उन्हें और मौका दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि 1 से लेकर 22:50 तक 14 को देंगे, 7 बजे तक पहुंचना होगा आपको, और 22 से 21 से लेकर 32 से 87 जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 7 बजे 15 सितंबर को पहुंचना होगा। ठीक है, ये है पौड़ी गढ़वाल का। अब जानते हैं यहाँ पे टिहरी का। टिहरी गढ़वाल का जो प्रेस नोट जारी किया गया विज्ञप्ति के संबंध में वो सितंबर को ही जारी किया गया था, और इसमें बताया गया है कि जो सारी दक्षता परीक्षा 1 सितंबर से स्टार्ट थी और 10 सितंबर तक चली थी, इसमें किन्हीं कारणों की वजह से कोई अभ्यर्थी छूट गया है तो उन्हें 15/9/2023 को बुलाया गया है शारीरिक माप और जोक और दक्षता परीक्षा के लिए, और इन्हें पूर्णानंद इंटर कॉलेज में पहुंचना है मुनि की रेती में, और यहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने, चाहे स्थायी प्रमाण पत्र हो, चरित प्रमाण पत्र हो, EWS प्रमाण पत्र हो, आवेदन पत्र के साथ जो भी डॉक्यूमेंट संकलन करें वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, NCC सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट सारे आपको ले जाने हैं, जिससे आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ले जाने हैं, बाद में डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट सारे ले जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, बागेश्वर हो गया, US नगर हो गया, हम बात करते हैं उत्तरकाशी और चमोली। उत्तरकाशी में कुल अभ्यर्थी 24 से 61 थे और इनका लगभग फिजिकल हो चुका है, और जो समस्त अनुपस्थित छात्र थे उन्हें 10 सितंबर को मौका दिया गया था। इसकी अपडेटेड डेट अभी आई नहीं है, फिलहाल अभी अपडेटेड डेट जैसे ही आती है आपको मैं तुरंत जानकारी दे दूंगा, क्योंकि 9 और 10 की डेट में बारिश हुई थी तो ये भी विलम्ब कर दिया होगा। उसके बाद अभी बात करते हैं चमोली की। चमोली में जो है सारी भर्तियाँ लगभग हो चुकी हैं, इसमें जो 9/9/2023 को जो भर्तियां होने वाली थी 9 सितंबर को वो सारी भर्तियां हो चुकी हैं, क्योंकि इसकी डेट जो है 11 सितंबर को दी गई थी और वो लगभग हो चुकी है। और यहां पर कुल कैंडिडेट्स से चमोली में 2401 यहां पे अभ्यर्थी थे और जिनका लगभग फिजिकल अब हो चुका है। तो ये हैं 6 जिलों का, और सेकेंड चरण का जो एग्ज़ाम होने वाला है फिजिकल का वो होगा आपका 22 सितंबर को इनका जो है यहाँ पे भर्ती करवाई जाएंगी, और एडमिट कार्ड जो है 15 से लेकर 20 सितंबर के मध्य आउट किया जाएगा। तो जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती है भर्ती के संबंध में, फिजिकल डेट के संबंध में, आपको मैं तुरंत जानकारी दे दूँगा। बने रहें चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो